दोस्तों वीवो ने वाई ट्वेल्व का सक्सेसर लॉन्च कर दिया है, वीवो वाई ट्वेल्व एस। ये फोन हो गया है लॉन्च और बजट सेगमेंट में ये फोन लॉन्च हुआ है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वीवो वाई ट्वेल्व एस के फुल स्पेसिफिकेशंस के बारे में, इस फोन की प्राइस के बारे में। सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे Vivo Y12s के डिस्प्ले के बारे में। तो इस फोन में 6.51 इंच की IPS LCD पैनल वाली डिस्प्ले मिलती है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में। HD प्लस का रेजोल्यूशन मिल जाता है 720x1600 पिक्सल्स का और 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो भी देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल डिस्प्ले इसमें आपको बहुत अच्छी तो नहीं मिलती है, खास करके जो मिड रेंज के फोन आते हैं उनके जैसे डिस्प्ले आपको इस फोन में देखने को मिल जाती है। बात करें अगर प्रोसेसर की तो Vivo Y12s में Helio P35 चिपसेट वाला प्रोसेसर मिलता है। बेसिकली एक एंट्री लेवल गेमिंग प्रोसेसर है और इसमें 3GB की रैम मिल जाती है, 32GB की इंटरनल मेमोरी। अच्छी बात यह है कि आप SD कार्ड लगा के अपनी स्टोरेज को इंक्रीज कर सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करते हैं तो Vivo Y12s में Android 10 के साथ में फन टच OS 11 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं Vivo Y12s के कैमरा सेटअप के बारे में। तो इस फोन में रियर साइड में ड्यूल कैमरे का सेटअप मिलता है जिसमें प्राइमरी कैमरा 13 मेगापिक्सल का है f1.8 अपर्चर के साथ में और 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा मिलता है f2.4 अपर्चर के साथ में। वहीं पर सेल्फी के लिए इस फोन में 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है जिसकी मदद से आप सेल्फी या फिर वीडियो चैट कर सकते हो। बात करें दोस्तों अगर Vivo Y12s के बैटरी के बारे में तो इस फोन में 5000 mAh की बैटरी मिलती है और इसके साथ में 10 वाट का एक फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाता है। कुछ कनेक्टिविटी फीचर्स की बात करते हैं तो Vivo Y12s में ड्यूल सिम 4G LTE मिलता है, वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0, GPS, माइक्रो USB का पोर्ट है चार्जिंग और डेटा ट्रांसफर के लिए और 3.5mm का हेडफोन जैक भी देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही साथ साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर होने वाला है और फेस अनलॉक को भी ये फोन सपोर्ट करता है। तो कुछ इन्हीं फीचर्स के साथ में दोस्तों Vivo Y12s हो गया है लॉन्च। अगर बात करें इसके प्राइस वगैरह की तो फिलहाल दोस्तों ये फोन हांगकांग या फिर वियतनाम उसी साइड में भी लॉन्च हुआ है। अगर प्राइस मैं आपको कन्वर्ट कर बताता हूँ कुछ 10,500 के आसपास निकल कर आती है। तो कुछ इन्हीं प्राइस के साथ में दोस्तों Vivo Y12s हो गया है लॉन्च। अगर बात करें इस फोन के इंडिया लॉन्च वगैरह की तो मुझे जितना लगता है कि आपको पता ही होगा कि Vivo Y12 इंडिया में ऑलरेडी लॉन्च हुआ है लगभग एक साल पहले और ये फोन के भी काफी सारा चांसेस है कि ये फोन इंडिया में आएगा। अभी कब तक आएगा इसके बारे में कुछ ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ये फोन आपको 1 से 1.5 महीने के अंदर में इंडिया में भी देखने को मिल सकता है। अगर Vivo Y12s के बारे में कुछ ऑफिशियल अपडेट आता है तो मैं जरूर से आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दें कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे अपनी अगले वीडियो में।